हाय दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट वीडियोस जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एबी केबल के टैप्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि बहुत लोगों का कन्फ्यूजन है, क्योंकि आपको जो है एबी केबल जो है आपको बेयर भी मिलेगा और इंसुलेटेड भी मिलेगा, कहीं पर फोर वायर भी मिलेगा, फाइव वायर भी मिलेगा, तो ये सब सारे आपको जो है कन्फ्यूजन जो है आज आपको दूर हो जाएगा। टोटल जो है चार टाइप के जो है एबी केबल यूज़ किए जाते हैं। आप इंडिया के किसी भी स्टेट में काम कर रहे हो तो इन्हीं चार में से आप यूज़ करने वाले हो। तो जो लोग मेरे वीडियोस को जो दो वीडियोस में डाल चुका हूँ एबी केबल से रिलेटेड, एबी केबल एरियल बंस्ट केबल के बारे में बता चुका हूँ और एबी केबल एसेसरीज, जो नहीं देखे पहले इसे देख ले ताकि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है इन दो वीडियो से मिलेगा। उसके बाद आप ये देखिए तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। उसके बाद आप वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें कि आप ये चार में से किस टाइप के एबी केबल आप यूज़ कर रहे हो अभी करंटली, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं चार टाइप्स के कौन कौन से एबी केबल यूज होते हैं इंडिया में। सबसे पहला जो है वो आपका है विथ इंसुलेटेड मैसेंजर कंडक्टर। तो यहां पर जो है मैसेंजर कंडक्टर के हिसाब से देखेंगे विथ बेयर मैसेंजर कंडक्टर, और तीसरा है विथ इंसुलेटेड मैसेंजर कंडक्टर एंड विथ इंसुलेटेड स्ट्रीट लाइट, और एक चौथा जो है आपका विथ बेयर मैसेंजर कंडक्टर विथ इंसुलेटेड स्ट्रीट लाइट। तो ये चार टैप्स के हम लोग इसको डिटेल्स में देखेंगे टैप्स में। इसके बाद इसकी रेटिंग भी मैं बता दूंगा, क्योंकि इंटरव्यूज में जो है रेटिंग से रिलेटेड जो है काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एबी केबल के इन्हीं चार टैप्स के आपकी इसकी रेटिंग बताऊंगा, क्योंकि चारों का रेटिंग जो है सबका अलग अलग होता है। जब आप इंटरव्यू में जाए तो आप सबसे पहले ये देखो कि आप कौन सा एबी केबल यूज़ कर रहे हो इन चारों में से, उसी की ही रेटिंग बताओ, क्योंकि रेटिंग अलग हो सकता है। हो सकता है आपके बगल वाला बंदा अलग रेटिंग बताए और आप अलग बताओ, इसलिए इसका भी कन्फ्यूजन आपको दूर हो जाएगा। पहले आप आज की वीडियो में जो है आप एबी केबल के टैब्स देख लीजिए और आप ये पता कर लीजिए कि आप कौन सा एबी केबल यूज़ कर रहे हो, उसी हिसाब से आपको उसकी रेटिंग बतानी होगी। चलिए सबसे पहला जो हम लोग आज देखने वाले हैं, सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे विथ इंसुलेटेड मैसेंजर कंडक्टर। तो अगर ये कौन सा केबल आपका थ्री फेस है, कैसे पकड़ा मैंने, जो तीन फेस होंगे यहाँ पर, ये देखिए एक दो तीन आर बाई बी तीन फेस के लिए है, और आपका जो चौथा होगा वो मैसेंजर कंडक्टर होगा, या आप मैसेंजर बोल सकते हो या न्यूट्रल। देखिए दोनों एक ही पर्पस में यूज किया जाता है, मैसेंजर हो चाहे आपका न्यूट्रल हो, जो न्यूट्रल प्रोवाइड करते हैं इसी मैसेंजर कंडक्टर के थ्रू जो है हम लोग न्यूट्रल प्रोवाइड करते हैं, और जो आपके जो पोल में जो हैंग हो रहता है केबल ये इसी को हैंग किया जाता है, चाहे सस्पेंशन हो या डेड एंड हो, तो इसी केबल को जो है हैंग कराया जाता है, तभी इसी के सपोर्ट से जो है आपका एबी केबल जो है स्ट्रिंग किया जाता है। उसके बाद अब देखेंगे इसके अंदर हम लोग देखेंगे कितने वायर होते हैं। अगर थ्री फेस वायर अगर एबी केबल ले रहे हैं, कौन सा टाइप का, पहला टाइप का विथ इंसुलेटेड मैसेंजर कंडक्टर, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो आपके फोर वायर होंगे, थ्री फेस है तो आपके फोर वायर होंगे, एक दो तीन चार फोर वायर होंगे, और तीन जो आपके फेस के होंगे जैसे आर वाई बी तीन फेस के होंगे, और ये इंसुलेटेड रहेंगे। इंसुलेटेड कहने का मतलब इसके अंदर कवर किया जाएगा, ऊपर में कवर रहेगा ब्लैक कलर का, तो ये कवर यहाँ पर इंसुलेशन प्रोवाइड रहेगा, और आपका जो मैसेंजर है या न्यूट्रल वायर बोल सकते हैं, तो ये चौथा भी ये भी क्या होगा आपका इंसुलेटेड रहेगा। चार वायर होंगे तीन फेस के, एक मैसेंजर या न्यूट्रल बोल लीजिए, और ये चारों क्या होंगे कवर होंगे, इंसुलेटेड होंगे। उसी तरीके से अगर सिंगल फेस में देख लें तो आपको दो वायर, सिर्फ दो वायर मिलेंगे आपके, एक फेस के मिलेंगे एक मैसेंजर के रहेंगे, और ये दोनों इंसुलेटेड रहेंगे, ये पहले टाइप का हो गया। आपको उम्मीद होगा कि पहला टाइप को समझ में आ गया। अब इसका साइज देखते हैं कितने साइज तक आपको ये मिलेगा आपको देखने को। ये देखिए सबसे पहले ये देखिए, आप इसको रीडिंग करने के लिए समझे, बहुत लोग इसको रीडिंग करने नहीं पाते हैं, तो इसे हम लोग सीख लेते हैं। सपोज लिखा हुआ वन सी, वन सी कहने का मतलब वन सी बता रहा है ये सिंगल फेस है, थ्री सी लिखा है मतलब थ्री फेस है, वन सी सिंगल फेस, थ्री सी थ्री फेस, ठीक है। सी का मतलब यहाँ पर कंडक्टर, तो वन सी लिखा हो मतलब एक कंडक्टर है, मतलब सिंगल फेस है, और ये जो 16 स्क्वायर में हम दिखा रहा है ये क्या आपका इसकी साइज है, जो एक कंडक्टर जो है आपका सिंगल फेस के लिए उसकी ये साइज बता रहा है, और प्लस में दिखा रहा है 35 स्क्वायर में, ये भी इंसुलेटेड है, ये क्या आपका मैसेंजर है, समझ गए, रीड करना समझ गए। अब ये देखिए 16 जो है आपको सिंगल फेस में भी मिलेगा और थ्री फेस में भी मिलेगा, ठीक है। तो थ्री सी लिखा है मतलब थ्री फेस, तीन फेस आर वाई बी के लिए है, और इसकी साइज बता रहा है, ये तीन जो कंडक्टर उसकी साइज बता रहा, और ये चौथा, ये जो आपका चौथा जो वायर होंगे वो आपका कौन सा होगा मैसेंजर होगा, वो क्या होंगे इंसुलेटेड होंगे, ये कितने का होगा 25 mm स्क्वायर का होगा, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से देखिए आपको टोटल आप साइज कैसे पकड़ेंगे, ये कौन सा साइज का है ये देखना है, कंडक्टर का साइज से ही पता चलता है ये कौन सा साइज का। जैसे मुझे एलटीएम में सपोज 50 स्क्वायर एमएम का यूज कर रहा हूं, तो इसका ये साइज जो है ये देखिए थ्री सी थ्री फेस के लिए, तो थ्री सी इंटू 15
स्क्वायर एमएम प्लस 35 स्क्वायर एमएम, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ 3C 15 स्क्वायर एमएम। ये 50 स्क्वायर एमएम जो है ये कंडक्टर की साइज बता रहा है कि 50 स्क्वायर एमएम केबल यूज कर रहा हूँ, तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन टोटल लिखा हुआ है 3C 50 स्क्वायर एमएम प्लस 35, ये आपका मैसेंजर हो गया। तो टोटल आपको 16 से 16 से स्टार्ट होता है स्क्वायर एमएम से और 150 mm तक आपका चला जाता है, ये हो गया आपका साइज हो गया। इतने से इतने तक आपको मार्केट में उपलब्ध है, इन्हीं में से जो है ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो है एबी केबल एक्चुअली ज्यादा से ज्यादा जो है आपको जो है एलटी लाइन में देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप का जो है आपका और दूसरा टाइप का है विथ बेयर मैसेंजर कंडक्टर। अब इसमें क्या होगा, इसमें एक जो आपका जो मैसेंजर था वो क्या होगा, बेयर होगा, मतलब नंगा होगा, कवर नहीं होगा इसमें। जैसे थ्री फेस का है तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, फोर वायर है, थ्री फेस होंगे वो क्या होंगे, इंसुलेटेड होंगे, और मैसेंजर क्या होगा आपका, बेयर होगा। जैसे आपको फिगर में दिख रहा है ये RYB 3 फेस के हो गए और ये आपका मैसेंजर जो है ये बेयर है, इसमें कवर नहीं चढ़ा है। उसी तरीके से अगर सिंगल फेस होगा तो इसमें क्या होगा, एक फेस का होगा वो इंसुलेटेड होगा। फेस हमेशा इंसुलेटेड होता है, याद रखिएगा, फेस हमेशा इंसुलेटेड होता है, और आपका स्ट्रीट लाइट जो अगर वायर प्रोवाइड होगा तो वो आपका क्या होगा, हमेशा जो है आपका इंसुलेटेड रहेगा, कवर्ड रहेगा। बस मैसेंजर आपका डिफरेंट टाइप्स कैसे हो रहे हैं, आपके मैसेंजर जो होंगे वो आपको दोनों में अवेलेबल होगा, बेयर भी और इंसुलेटेड भी है, या फिर किसी में स्ट्रीट लाइट होगा या नहीं होगा, इस हिसाब से बांटा गया है। तो यहाँ पर आपका दो हो गया, एक फेस का इंसुलेटेड और एक बेयर जो है आपका मैसेंजर। अगर इसका फिर साइज देखे इसी तरीके से, इसका भी साइज समझे सिंपल उसी तरीके से, आपको ये 16 से लेकर 150 तक मिल जाएगा, और आपका ये जो आपका मैसेंजर होगा वो यहाँ पर आपका क्या होगा, बेयर होगा। वहां पर क्या था जो पहला देखे थे, वहां पर मैसेंजर वायर जो इंसुलेटेड था, और यहाँ पर ये क्या है, बेयर है, नंगा है, विदाउट कवर है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड टाइप का, इसमें क्या है, इसमें 5 वायर होंगे, 3 फेस के होंगे, वो इंसुलेटेड होंगे, और क्या बोला था मैंने, स्ट्रीट लाइट का जो होगा वो ऑलवेज जो है इंसुलेटेड रहेगा। अब यहाँ पर एक बेयर पे आ जाएगा, इसमें भी दो टाइप्स के मिलेंगे, एक बेयर रहेंगे आपका मैसेंजर वायर जो रहेंगे वो बेयर रहेंगे, नंगा रहेगा विदाउट कवर, और एक मिलेगा आपको नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो आपका इंसुलेटेड होगा। तो यहाँ पर अभी जो देखने वाले हैं विद बेयर मैसेंजर कंडक्टर, ये देखिए मैसेंजर कंडक्टर बेयर है आपका, कवर नहीं चढ़ा है, विद इंसुलेटेड स्ट्रीट लाइट, और स्ट्रीट लाइट भी प्रोवाइड कर दिया गया, 3 फेस का एक मैसेंजर जो कि इस टाइप तीसरे वाले टाइप में ये आपका बेयर है, नंगा है, विदाउट कवर है, और स्ट्रीट लाइट हमेशा जो है आपका इंसुलेटेड होता है। और एक चीज और, स्ट्रीट लाइट जो हमेशा जो आपको 16 स्क्वायर एमएम का ही मिलेगा, ज्यादा बड़ा भी नहीं मिलेगा, छोटा भी नहीं साइज में रहेगा, बस ये 16 फिक्स रहता है और ये आपका ऑलवेज जो है कवर्ड रहेगा। तो इसमें देखते हैं क्या होता है, सपोज 3 फेस ले लिए तो यहाँ पर आपको 4 वायर मिलेगा, 3 जो रहेंगे फेस के रहेंगे, 1, 2, 3 फेस के रहेंगे और ये इंसुलेटेड रहेंगे। उसका मैसेंजर यहाँ पर जो है बेयर रहेंगे, विदाउट कवर रहेगा, और एक स्ट्रीट लाइट रहेगा वो आपका इंसुलेटेड रहेगा, ये हो गया। इसमें भी आपको अगर टाइप्स देखेंगे तो इसमें भी आपको मिलेगा, ये देखिए 3C मतलब 3 फेस का है, 16 स्क्वायर एमएम का, ठीक है, और अब 25 स्क्वायर एमएम ये बेयर है, ये मैसेंजर बता रहा है, और ये लास्ट में जो लिखा रहेगा वो आपका स्ट्रीट लाइट रहेगा। हमेशा जो अरेंजमेंट होता है, पहले फेस का कंडक्टर लिखा जाता है, उसके बाद मैसेंजर या न्यूट्रल का लिखा जाता है, उसके बाद स्ट्रीट का लिखा जाता है, ये कॉन्फ़िगरेशन है केबल के साइज को लिखने का कॉन्फ़िगरेशन है ये। जब आप एबी केबल का जब ड्रम लोगे तो आपको इस टाइप से लिखा रहेगा, तो आप इसे देख के आसानी से पता लगा सकते हो कि क्या कह रहा है, इसका जो केबल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा है, ठीक है। तो ये भी आपको 16 से लेकर 150 तक स्क्वायर मीटर तक आपको देखने को मिलेगा। अब उसी तरीके से अब आखिरी वाला जो है हम लोग देखने वाले हैं, ये क्या होगा, आपका 5 वायर ये भी होगा, बट जो आपका ये मैसेंजर जो कंडक्टर रहेंगे वो क्या होंगे, इंसुलेटेड रहेंगे। सपोज 3 फेस का ले रहे हैं तो इसमें क्या होगा, 3 फेस का होगा वो इंसुलेटेड होंगे, और ये एक मैसेंजर जो होंगे वो भी इंसुलेटेड होंगे, और स्ट्रीट लाइट भी होंगे वो भी इंसुलेटेड होंगे। उसी तरीके से इसका साइज भी आपको इसी तरीके से देखिए आप पढ़ सकते हैं आराम से, 3C × 16 स्क्वायर एमएम, मतलब 3 कंडक्टर के 16 स्क्वायर एमएम का, और जो आपका 25 स्क्वायर एमएम जो है ये आपका इंसुलेटेड हो गया, और ये आपका स्ट्रीट लाइट बता रहा है। तो आप इस तरीके से आराम से कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। उसके बाद जो है आपको अगर कौन सा आप कंडक्टर एबी केबल का कौन सा टाइप्स के यूज करें कमेंट में जरूर बताएं। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। गुड लक एंड हैव ए नाइस डे।